इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप व्हाट्सएप में जो ये वेरिफिकेशन होता है नंबर बाय उसे आप ईमेल से कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आप बात कर लेते हैं कि ईमेल से हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा, और कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, ठीक है? ये सब कुछ आपको बताऊंगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जब आप अपने व्हाट्सएप में लॉगिन करते हैं तो पहली बात, आप लॉगिन नहीं करते हैं अपने व्हाट्सएप में, आप रजिस्टर्ड करते हैं। लॉगिन अलग होता है, रजिस्टर्ड अलग होता है, जो नंबर से होता है, ठीक है? आप जितने भी ऐप हैं जो कि एंड टू एंड इनक्रप्शन रखते हैं और जिनका डेटाबेस नहीं होता है और जो मैसेंजर टाइप से चलते हैं, उनमें 90% तक, ठीक है, 90% तक सिर्फ नंबर यूज़ किया जाता है, ईमेल यूज़ नहीं किया जाता। अब ऐसे नहीं कि व्हाट्सएप में एक्सेस नहीं है ईमेल यूज़ करने का, देखिए एक्सेस है ईमेल यूज़ करने का, लेकिन तब है जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं, तब आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि लेकिन वेरिफिकेशन के लिए नहीं कर सकते, टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं आप ईमेल का यूज़। देखिए एग्री एंड कंटिन्यू पर जैसे ही जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको कंट्री, नंबर्स एंड नेक्स्ट मिलता है, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर सिर्फ आपका नंबर यूज़ होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स कुछ यूज़ नहीं की जाएगी, एज ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ डेट या कुछ भी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है। तो बात आ गई यहाँ पर कि ईमेल यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मैसेंजर है यहाँ पर, ये मैसेंजर है, टोटली मैसेंजर पर डिपेंड करेगी, और ये ना तो किसी को डेटा जाता है इसका, ना ही आता है, और बाकी आपकी डिटेल्स, नेम या इन चीज़ों से इसको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, और ये एंड टू एंड इनक्रप्शन पर चलती है। जो सोशल मीडिया ऐप होती हैं वो आपसे आपका डेटा ले लेती हैं, यूज़र नेम देती हैं, हर चीज़ दे देती हैं। तो मैसेंजर जो है यहाँ पर, व्हाट्सएप मैसेंजर, ये बेसिस पर नंबर पर ही चलता है, और नंबर से ही आप अपनी सारी डिटेल डाल सकते हैं। जब नंबर डालेंगे तो वेरिफिकेशन कोड आएगा डायरेक्ट आपके नंबर पर, और तब आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो कहीं पर भी यहाँ पर ईमेल यूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से नहीं मिलता है। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।